हेलो बच्चों, एग्जाम हट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बायोलॉजी में, वो रहेगा क्लास प्लस वन के अंदर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहां से हर साल अच्छे खासे बड़ी एमसीक्यू पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर भी और बोर्ड्स के अंदर भी। तो हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेगुलेशन। क्योंकि हम स्ट्रक्चर कर चुके हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कर चुके हैं, यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म कर चुके हैं, उसके बाद हमको ये देखना है कि हमारी बॉडी इस पूरे सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, नेफ्रॉन के फंक्शन को, या फिर मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को कैसे रेगुलेट करता है, कैसे बैलेंस बनाता है। इस रेगुलेशन के अंदर बॉडी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है और वो किस तरीके से इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करके रखता है, ताकि ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथ एंड नॉर्मली बॉडी को रन कर सके और उसकी फिजियोलॉजी को मेंटेन कर सके। तो बेसिकली बात यही करनी है कि रेगुलेशन, जो रेगुलेशन वर्ड है, ये बड़ा ही सिंपल वर्ड है, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बच्चों, रेगुलेशन किसकी कर रहे हैं, बॉडी की। और बॉडी के अंदर क्या मिलते हैं, बॉडी फ्लूइड, ये आप सभी जानते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, रेगुलेशन किसके अंदर होनी है, बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर क्या मिलते हैं, बॉडी फ्लूइड, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं होगा। अब किसी रीजन से अगर हमारे बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाते हैं, लॉस मतलब उनका एक्सेसिव लॉस हो जाता है, अगर बॉडी फ्लूइड्स का जो लॉस है वो क्या हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, तो नॉर्मल सी बात है बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन आएगी। मान लो बॉडी के अंदर किसी रीजन से डायूरेसिस हो गया। डायूरेसिस का मतलब क्या, कि जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है, जो यूरिन है वो एक्सेसिव हो गया, यूरिनेशन, यूरिनेशन प्रोसेस है वो क्या होगी, एक्सेसिव होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। मान लो लूज मोशन हो गए, उसमें भी आपको पता है लूज मोशन के केस में डॉक्टर ओआरएस देता है, उस ओआरएस का मतलब क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन मतलब कि वो पानी की कमी को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की कमी को, जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा, इसीलिए ओआरएस के पाउच दिए जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी भी तो उसको सेटल करने में हेल्प करती है, किस तरीके से हेल्प करती है वो देखेंगे। अगर हमारी बॉडी से फ्लूइड्स का लॉस अगर बढ़ जाता है बच्चों, तो ध्यान रखना हमारी बॉडी के अंदर भी ओस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ओस्मो रिसेप्टर, वो एक तरीके से डिटेक्टिव मान कि बॉडी के अंदर फ्लूड का कंटेंट, जो कंटेंट है वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर बॉडी के अंदर एक्सेसिव लॉस हुआ तो बॉडी के अंदर फ्लूड्स की कमी होगी, बॉडी के अंदर फ्लूड्स की कमी होगी तो इन ओस्मो रिसेप्टर्स को पता चलेगा, तो ये ओस्मो रिसेप्टर बच्चों क्या करेंगे, ये ओस्मो रिसेप्टर हमारे हाइपोथैलेमस को बताएंगे कि जी ऐसे ऐसे हो गया है। और हमारा हाइपोथैलेमस क्या करेगा, फिर हार्मोन सिक्रेट करेगा, और उस हार्मोन का नाम होता है जी एडीएच। एडीएच, एडीएच बोले तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आई बात समझ में, ओस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो जब एक्टिव होंगे, बिल्कुल जीरो से समझ लो, किसी कारणवश मान लो मेरी बॉडी के अंदर एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हो गया, तो उसकी वजह से मेरे ओस्मो रिसेप्टर एक्टिव होंगे, और वो ओस्मो रिसेप्टर जाकर हाइपोथैलेमस को कहेंगे कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक हार्मोन सिक्रीट करेगा, जिस हार्मोन का नाम क्या होता है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मैंने अभी अभी बताया था एक वर्ड होता है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या है, एक्सेसिव यूरिनेशन, मतलब यूरिन का अमाउंट क्या है वो बढ़ जाएगा, जो यूरिनेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, फ्रीक्वेंट होगी, बार बार होगी, ज्यादा होगी।
लेकिन यहां पर क्या है, आगे एंटी भी लगा है। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। मतलब ये क्या हार्मोन काम करेगा, ये वाला जो हार्मोन है क्या काम करेगा, नाम से पता लग रहा है एंटी का मतलब अपोजिट। जो डायूरेसिस है उसका मतलब क्या है, एक्सेसिव यूरिनेशन। मतलब ये एक्सेसिव यूरिनेशन को होने से रोकेगा, मतलब ये एक तरीके से यूरिनेशन को कम करेगा। डायूरेसिस का मतलब यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा, यूरिनेशन ज्यादा, वैसे ही एंटी डायूरेसिस का मतलब यूरिनेशन कम, यूरिन फॉर्मेशन कम। तो ये क्या हो गया जी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो क्या करेगा, एक तरीके से यूरिन की जो फॉर्मेशन है, या फिर हम सीधा सीधा सिंपल बोल सकते हैं यूरिनेशन जो प्रोसेस है उसको ये क्या कर देगा, कम कर देगा। अब अगर यूरिनेशन को कम करेगा तो यूरिनेशन कम करने का मतलब क्या है कि बॉडी से एज अ यूरिन जो बॉडी फ्लूड है वो क्या जाएगी, कम जाएंगे। और हमने करना भी क्या था भाई, हमारा मकसद भी तो यही है ना कि जो बॉडी के अंदर से बॉडी फ्लूड का एक्सेस लॉस हुआ है उसको रिकवर करना। तो और ये हार्मोन क्या करेगा, यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देगा। तो नॉर्मल सी बात है, यूरिनेशन कम होगी और यूरिनेशन कम होगी तो बॉडी फ्लूड का लॉस है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर बड़ा गजब बनता है, गजब क्वेश्चन क्या बनता है, बोला सर एडीएच ऐसा क्या करेगा, एडीएच करे तो गा, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि यूरिनेशन को कम करेगा वो कैसे कम करेगा, उसका भी तो कोई मैकेनिज्म होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि किडनी ये बोलती कि हाँ एडीएच अगर सिक्रेट हुआ तो मैं यूरिन कम बनाऊंगी, ऐसा तो है नहीं। मतलब जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है कि जिसकी वजह से जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो कम होती है। तो बच्चों सुनो, वो क्या करता है, नेफ्रोन का जो रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, आपको पता है ना नेफ्रोन दो पार्ट से मिलके बना था, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। जिन बच्चों को नहीं पता वो प्लीज पहले वाले जाके लेक्चर बच्चों जरूर देखें, पूरा डिटेल में करवाया हुआ है। लेकिन अब मैं यहां पर अगर मान लो रीनल ट्यूब्यूल को एक्सप्लेन करने बैठ जाता हूं तो उसके अंदर ही पूरा लेक्चर निकल जाएगा, तो इसलिए आप पिछले लेक्चर देखो ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। देखो जी क्या करेगा एडीएच, नेफ्रोन के अंदर जो रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट होता है उसके अंदर एक डीसीटी होता है, एक पीसीटी होता है और एक लूप ऑफ हेनले होता है, या फिर सिंपली याद रख लो वो क्या करेगा, ट्यूब्यूल पार्ट के अंदर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। अब रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है यूरिन ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। ऐसा ही था ना, मतलब एडीएच का जो फंक्शन है वो किस बेस पे काम करता है, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाने। दोबारा बता रहा हूं, बॉडी का एक्सेसिव लॉस होगा, बॉडी का एक्सेसिव लॉस, बॉडी फ्लूड का एक्सेसिव लॉस होगा जब, तो क्या होगा वहां पर हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रोन, उसके डिस्टल पार्ट के अंदर, उसके ट्यूब्यूल पार्ट के अंदर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। उस रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने की वजह से जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो कम हो जाती है और वहां पर वो एक तरीके से एंटी डायूरेसिस का काम करता है। आई बात समझ में, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब जिन बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन है, बोला सर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने से, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने से कैसे यूरिन फॉर्मेशन कम होगा, तो उसके लिए तो भैया मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूं जो इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम आए हैं। ये है नेफ्रोन का स्ट्रक्चर, आया ना याद, नेफ्रोन के स्ट्रक्चर ने, ये जो नेफ्रोन का स्ट्रक्चर बना है इसमें ये क्या है बच्चों, ग्लोमेरुलस, ये क्या है बाउमेन कैप्सूल, और ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, रीनल कॉर्पसल। वैसे ही जो ये पार्ट बच गया नेफ्रोन का जितना भी, जैसे ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है,
और ये क्या है जी आपका डीसीटी है। ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं रीनल ट्यूब। अब होता क्या है यहां से ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस बाउमेन कैप्सूल से ब्लड फिल्टर हुआ यहां पर क्या आ गया फिल्ट्रेट। क्या आ गया जी फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट कहां से है ग्लोमेरुलस से है तो इसको क्या बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इस फिल्ट्रेट की अमाउंट कैसे बढ़ेगी अगर फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो नॉर्मली इस फिल्ट्रेट की अमाउंट होती है बच्चों 180 लीटर पर डे। लेकिन जो हम यूरिन करते हैं जो हमारा यूरिनेशन होता है वो 180 लीटर का तो दिन में नहीं होता। अगर 180 लीटर का दिन में होगा तो पूरा दिन यूरिनेशन ही होगा यही लगा लो है ना। तो होता क्या है जब यहां पर ये फिल्ट्रेट बन जाता है इस अमाउंट के अंदर तो जो रीनल ट्यूब्यूल वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर से पानी को इलेक्ट्रोलाइट्स को असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है रीअब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर वापस सोख लेता है। और जो बच जाता है वो एज ए यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है समझे बात। और अभी अभी मैंने क्या बताया था कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो क्या करता है इस रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब भाई रीअब्जॉर्प्शन को जितना ज्यादा बढ़ाएगा जितना ज्यादा वापस सोखा जाएगा वापस एब्जॉर्ब कर लिया तो उतना ही कम यूरिन होगा। और एक्सेसिव बॉडी फ्लूड के लॉस के बाद हम चाहते भी क्या थे कि बॉडी फ्लूड बॉडी से कम लॉस हो तो एक तरीके से एडीएच किस मैकेनिज्म पे काम करेगा यूरिन फॉर्मेशन को कम करने पे या फिर यूरिनेशन को कम करने पे बाय इंक्रीजिंग द रीएब्जॉर्प्शन इन ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इतनी बात क्लियर है। क्लियर है क्या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा डायबिटीज इंसिपिडस। सारे क्या सोचते हैं डायबिटीज का मतलब शुगर है। कोई भी पेशेंट हो ऐसे बोल देते हैं डायबिटिक पेशेंट है तो क्या आएगा माइंड में बोला भाई शुगर है। शुगर है का मतलब क्या है शुगर है का मतलब है कि उसके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है। लेकिन बच्चों मैं एक बात बता दूं शुगर सिर्फ वही नहीं होती डायबिटीज सिर्फ वही नहीं होती है। डायबिटीज सिर्फ शुगर का लेवल इंक्रीज होना नहीं होता है। बोला सर हमने तो यही सुना है। भैया तुमने जो सुना है उसके अंदर हो सकता है कि शुगर का लेवल इंक्रीज हो रहा हो लेकिन ये जान ले आप जो डायबिटीज बीमारी है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है दो टाइप की। एक तो क्या होती है जी डायबिटीज मेलिटस और एक क्या होती है बच्चों डायबिटीज इंसिपिडस। एक क्या होती है डायबिटीज मेलिटस और एक क्या होती है डायबिटीज इंसिपिडस। अब जो हम डायबिटीज की बात नॉर्मली करते हैं शुगर हो गई शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया शुगर घट गई शुगर बढ़ गई वो क्या है डायबिटीज मेलिटस है। लेकिन आज हम बात किसकी करेंगे डायबिटीज इंसिपिडस की बात करेंगे। डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी डायबिटिक कंडीशन है बेटा उन लोगों को बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस हो चुका है जिनके अंदर एडीएच की जो फॉर्मेशन है प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है बंद हो जाती है। मतलब उनके अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम नहीं करता है। बोला सर इसके अंदर शुगर का कोई चक्कर नहीं है। कोई चक्कर नहीं है कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर सिंपल सिंपल एक चीज होती है एडीएच हार्मोन काम नहीं करता है एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है एडीएच हार्मोन फंक्शन नहीं करता है कुछ भी लगा लो लेकिन वहां पर एडीएच का जो काम है वो नहीं होगा। और जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम नहीं होगा तो क्या होगा सबसे पहले तो ये जान लो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है। ध्यान है अभी अभी बताया था एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक ही काम होता है डायूरिसिस का। एंटी मतलब डायूरिसिस का उल्टा मतलब डायूरिसिस का मतलब क्या था यूरिन का ज्यादा होना मतलब उसका कम होना क्या हो जाएगा एडीएच का फंक्शन हो जाएगा। मैं यहां पर लिख भी देता हूं बच्चों एंटी डायूरिसिस। एंटी डायूरिसिस ये कैसे करेगा बाय इंक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन
रीअब्जॉर्प्शन इन ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। आई बात समझ में? अब जिस पेशेंट के अंदर डायबिटीज इंसिपिडस नहीं है उसके अंदर एडीएच नहीं है, एडीएच नहीं है तो एंटी डायुरेसिस का फंक्शन नहीं होगा, एंटी डायुरेसिस का फंक्शन नहीं होगा तो ये रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो यूरिन की फॉर्मेशन है वो क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। अब यूरिन ज्यादा बनेगा तो यूरिन ज्यादा निकालना भी पड़ेगा तो यूरिनेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। डायबिटीज इंसिपिडस का पहला सिम्टम, मेन सिम्टम क्या आ गया, यूरिन फॉर्मेशन का बढ़ना, यूरिनेशन का इंक्रीज होना। जिस भी पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस मिलेगा उसको बार बार यूरिनेशन करके आना पड़ेगा क्योंकि उसके ट्यूब्यूल पार्ट के अंदर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। रीएब्जॉर्प्शन कौन सी हो तो रही है, ऐसा भी मत मानना कि रीएब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही है। अब बच्चों अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो सोच के देखो एक बार क्या होएगा, 180 लीटर जो फिल्ट्रेट बना था वो 180 का 180 लीटर क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा। इतना यूरिनेशन तो वो भी नहीं करता, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट के अंदर जो एडीएच की वजह से रीअब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर एडीएच काम नहीं कर रहा है, एडीएच नहीं है, और एडीएच काम नहीं करेगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिनेशन और यूरिन फॉर्मेशन दोनों क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? बोला सर कोई एक सिम्टम और बताओ, एक सिम्टम तो सीधी सीधी सी बात है भाई, जितना ज्यादा यूरिन बनेगा जितना ज्यादा यूरिनेशन करोगे उतनी ही ज्यादा बॉडी के अंदर क्या आएगी, डिहाइड्रेशन आएगी, तो जब भी हमको क्या लगेगी, प्यास लगेगी। अब इस पेशेंट के केस के अंदर देखो डायबिटीज इंसिपिडस इस पेशेंट को है और इस पेशेंट के अंदर यूरिनेशन ज्यादा हो रही है। अब यूरिनेशन ज्यादा हो रही है तो बॉडी की हाइड्रेशन कंडीशन को मेंटेन करने के लिए इसको प्यास भी क्या लगेगी बच्चों, बार बार लगेगी, ज्यादा लगेगी। ज्यादा प्यास लगेगी तो हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग थ्रस्ट, थ्रस्ट ही ग्रोथ, सुना है ना, इंक्रीज्ड थ्रस्ट। वो बार बार पानी पिएगा, उसका गला बार बार सूखेगा क्योंकि यूरिनेशन की वजह से क्या हो रही है, एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से क्या हो रही है, ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको बार बार प्यास भी लगेगी। ये केस है आपका डायबिटीज इंसिपिडस का। ये इस टॉपिक के अंदर इसलिए करवाया गया है क्योंकि एडीएच इज रिलेटेड टू टोटली एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई बात समझ में? ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट सिस्टम जो अपना है बच्चों वो क्या है, रास। रास सिस्टम आपने सुना भी होगा नाम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स में भी और कॉम्पिटिशन में भी समझोगे तो मुश्किल नहीं है, अच्छे से समझोगे तो। क्या रास, रास की स्पेलिंग क्या है, आर डबल ए एस। इस पहले आर का मतलब है बच्चों रेनिन, क्या है, रेनिन। इस ए का मतलब, दो ए है ना, डबल ए है रास में, तो पहले ए का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन, बोलो सर एंजियोटेंसिन तो पहली बार सुना है, पहली बार सुना है, कोई नहीं समझ में आ जाएगा, बड़ा तगड़ा सिस्टम है ना। जो दूसरा है ए वो क्या होता है, उसका मतलब है एल्डोस्ट्रोन, एल्डोस्ट्रोन। और बच गया जो ये एस, उस एस का मतलब क्या है, सिस्टम, मतलब रास सिस्टम का मतलब क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रोन सिस्टम। ये काम कैसे करता है, रेनिन क्या होता है, एंजियोटेंसिन क्या होता है, एल्डोस्ट्रोन क्या होता है, ये तीनों ही वर्ड आप इस चैप्टर के अंदर पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन घबराओ नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है बच्चों, एक बार सोच के देखो, मैंने अभी नेफ्रॉन करवाया था, इस नेफ्रॉन के अंदर यहां पर ये फिल्ट्रेट बन रहा था। अब ये अगर फिल्ट्रेट इस अमाउंट में बन रहा है, अगर फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे बन रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्या है सिस्टम, बिल्कुल नॉर्मल है। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बनने के रेट को ध्यान से सुनना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिस रेट से बन रहा है उस रेट को हम क्या बोलते हैं, जीएफआर। क्या बोलते हैं, जीएफआर, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है इन द रीनल कॉर्पसल ऑफ नेफ्रॉन। आई बात समझ में?
अब अगर ये अपनी नॉर्मल वैल्यू पे काम कर रहा है, 180 लीटर पर डे पे काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये जीएफआर कम हो गया, अगर ये जीएफआर कम हो गया तो दिक्कत, अगर ये जीएफआर बढ़ गया तो दिक्कत। लेकिन हमारी बॉडी इसको मेंटेन करके रखती है। मेंटेन करने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी इसको क्या करती है, ऑटोमेटिकली रेगुलेट करती है, ताकि जो जीएफआर की वैल्यू है वो क्या रहे, नॉर्मल रहे। इन दोनों कंडीशन को एक एक करके करते हैं बच्चों। इसी के अंदर रा सिस्टम काम करता है, इसके अंदर एक अलग सिस्टम काम करता है, वो भी अभी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा केस बन गया वो क्या बन गया, एबनॉर्मल केस क्या बन गया जी, जीएफआर का कम। अब इसको ठीक करने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, जीएफआर को इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो बाई चांस अगर जीएफआर कम हो जाता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज कम हो गई उसको बढ़ा देंगे। अब जीएफआर अगर कम हो गया